हेलो गाइज, बिहार में फिर से दो न्यू वैकेंसी आ गया है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यहाँ पे दो वैकेंसी है जो दिया गया है, जो कि पहला है बिहार टोला सेवक और दूसरा है यहाँ पे बिहार में शिक्षा सेवक, जिसका टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है 2578 पद पर यहाँ पे भर्ती होने वाला है। और ये भर्ती है जो डायरेक्ट भर्ती होने वाला है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास रहने वाला है। तो कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो इस वीडियो आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं। और कौन कौन से जिला में इसका वैकेंसी आया हुआ है, तो जिला का नाम भी आपको हम बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल का यहाँ पर नाम दिया गया है बिहार टोला सेवक भर्ती 2023, और इसका टोटल सीट है 2578 पोस्ट। यहाँ पर अप्लाई का यहाँ पर डेट भी दिया गया है कि इसका 19/8/2023 इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाला है, और इसका यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाला है 4/9/2023 तक। और यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 27/7/2023 को, और यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है 19/8/2023 को, और इसका अप्लाई डेट रहने वाला है 19/8/2023, इसका लास्ट डेट 4/9/2023। इसका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, और इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा 9/9/2023 को, इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी कर दिया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्शन ऑन मेरिट लिस्ट में 16/9/2023 से 19/9/2023 तक है जो चालू होगा। यहाँ पर अप्लाई का मोड है, यहाँ पर ऑफलाइन इसका है जो अप्लाई होने वाला है, इसका ऑफलाइन है जो आवेदन होगा, और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट है जो 23/9/2023 को है जो जारी होगा। और यहाँ पर ज्वाइनिंग का भी इसमें डेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका ज्वाइनिंग है जो 26/10/2023 को इसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, और इसका ट्रेनिंग होने वाला है 16/10/2023 को। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक ज़िला में है जो यहाँ पर पोस्ट है दिया गया है। बिहार के हर एक ज़िला में यहाँ पर दो पद है, एक शिक्षा सेवक एक तालीमी मरकज। यहाँ पर सभी ज़िला के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर नवादा ज़िला में है शिक्षा सेवक के लिए 43 पोस्ट, और तालीमी मरकज के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट है जो दिया गया है। रोहतास में यहाँ पर 41 पोस्ट है, और यहाँ पर 16 पोस्ट है जो दिया गया है। सारण में 2 पोस्ट है, और यहाँ पर 26 पोस्ट है। फिर आपको यहाँ पर सीतामढ़ी में दिया गया है 5 पोस्ट, और यहाँ पर 27 पोस्ट। फिर वैशाली में 30 पोस्ट दिया गया है, और यहाँ पर 16 पोस्ट। यहाँ पर अरवल में 5 पोस्ट दिया गया है, और फिर यहाँ पर 3 पोस्ट दिया गया है। फिर बेगूसराय में 5 है, फिर यहाँ पर 10 है। फिर बक्सर में 6 पोस्ट दिया गया है शिक्षा के लिए, और यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है तामेली बरगज के लिए। यहाँ पर गया में भी दिया गया है 79 पोस्ट, और यहाँ पर बरगज के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर जहानाबाद में भी इसका दिया गया है, यहाँ पर जहानाबाद में शिक्षा सेवक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है, और यहाँ पर 7 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर खगड़िया में दिया गया है 31 पोस्ट, यहाँ पर 1 पोस्ट। यहाँ पर मधेपुरा में 161 पोस्ट, यहाँ पर 23 पोस्ट। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 48, यहाँ पर 68। यहाँ पर पटना में 64, यहाँ पर 46। यहाँ पर सहरसा में 18, यहाँ पर 21। यहाँ पर शिवहर में 7, और यहाँ पर 19 पोस्ट। फिर आपको यहाँ पर सिवान में दिया गया 31 पोस्ट, फिर यहाँ पर 11 पोस्ट है। फिर यहाँ पर पश्चिम चंपारण में 71 है, फिर यहाँ पर 33 है। औरंगाबाद में 69 है, फिर यहाँ पर 33 है। भागलपुर में 47 है, फिर यहाँ पर 25 है। फिर यहाँ पर दरभंगा में दिया गया है 10, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 4 गोपालगंज में, फिर यहाँ पर 94। फिर यहाँ पर कैमूर में भी दिया गया है 19 पोस्ट, फिर यहाँ पर 17 पोस्ट है। फिर यहाँ पर किशनगंज में 12 पोस्ट है, यहाँ पर 15 है। फिर मधुबनी में 28, यहाँ पर 49। फिर यहाँ पर नालंदा में यहाँ पर 54 पोस्ट है, यहाँ पर 27 पोस्ट है। फिर यहाँ पर पूर्णिया में 32 पोस्ट है, यहाँ पर 8 पोस्ट है।
अपने यहाँ पर समस्तीपुर में 77 पोस्ट है, यहाँ पर 43 पोस्ट है। फिर यहाँ पे आगे भी दिया गया है, यहाँ पर शेखपुरा में 17 पोस्ट है, यहाँ पर 2 पोस्ट है। सुपौल में 7 पोस्ट है, यहाँ पर 21 पोस्ट है। फिर इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आप सभी युवा को इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी जा सकती है। जो युवा मैट्रिक पास होंगे वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं, जो कि इसका फॉर्म फिलअप है जो 19/8/2023 को स्टार्ट होने वाला है। फिर यहाँ पर दिया है कौन कौन से फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं, EBC, SC, ST और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर मैक्स मैंने मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर फी की बात किया गया है, तो इसमें कोई भी फी नहीं लगने वाला है, इसमें फ्री है। तो इसका आवेदन है जो ऑफलाइन है जो लिया जाएगा, तो इसका फॉर्म है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए उस फॉर्म को आपको हम दिखला देते हैं। तो ये इसका फॉर्म है, यहाँ पर इसमें फॉर्म को भर देना है और जाके पोस्ट ऑफिस में जमा है जो कर देना है, या ब्लॉक में भी जमा कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भर कर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन इसका 19/8/2023 इसका आवेदन है जो स्टार्ट होने वाला है। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म को भर कर बढ़िया से भर कर और यहाँ पर जमा कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।